हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान, इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इंडियाज फॉरेन ट्रेड। देखो बच्चे, आप सभी को पता है हम इस चैप्टर में अपने आज़ादी के टाइम पीरियड या फिर 1990 या 2000 से पहले की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें बातचीत करनी है कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा है और कैसा था, ठीक है, और फॉरेन ट्रेड होता क्या है, ठीक है। हमें मेनली इस टॉपिक के आसपास यहाँ पर सारी बातचीत करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, ठीक है बच्चे। सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रेड होता क्या है। देखो बच्चों, ट्रेड आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन में समझाऊं मैं ट्रेड होता क्या है। ट्रेड होता है बच्चे व्यापार, लेन देन, वस्तुओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन, ठीक है। हमें यहाँ बात करनी है इंटरनेशनल ट्रेड की, ठीक है। एक डोमेस्टिक ट्रेड होता है, एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड। अगर किसी इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर कोई ट्रेड किया जाए, कोई व्यापार किया जाए, कोई लेन देन किया जाए, उसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक ट्रेड, ठीक है। अगर वही ट्रेड उन इकोनॉमिक बाउंड्रीज को, उन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है तो वो कहलाता है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ कंट्री सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जब कोई भी देश या फिर हम इकोनॉमी की बात करना चाहें, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के नाम पर बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है बच्चे। क्या कहते हैं उसको? इंटरनेशनल ट्रेड। अब जाहिर सी बात है आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो बच्चों समझा देता हूँ आपको मैं, एक्सपोर्ट क्या होते हैं। देखो एक्सपोर्ट होता है बच्चे, जब भी किसी कंट्री में, या हमारी कंट्री की बात करता हूँ या किसी और कंट्री की बात करता हूँ, वहाँ पर अपने देश की ज़रूरतें पूरी करने के बाद जो कुछ भी प्रोडक्शन होती है उस देश के अंदर, या हमारी कंट्री की, मैं किसी भी कंट्री को ले लेना बच्चे, यहाँ पे वहाँ पर जो प्रोडक्शन होती है अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के बाद जो वस्तुएं सरप्लस में रह जाती हैं उनको फिर बेचते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। कहाँ बेचते हैं बच्चे? इंटरनेशनल मार्केट में। याद रखना, सरप्लस प्रोडक्ट को, हमेशा सरप्लस प्रोडक्ट को ही एक्सपोर्ट किया जाता है। ये मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ बच्चे, क्योंकि कोई कंट्री ऐसा नहीं सोचती कि अपनी ज़रूरतें जाए भाड़ में हम सिर्फ उसको एक्सपोर्ट कर ले, नहीं। जब सरप्लस प्रोडक्ट को हम बाहर बेचते हैं, कंट्री की इकोनॉमिक बाउंड्री से बाहर बेचते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सपोर्ट किया हम लोगों ने, ठीक है, अपना सामान बाहर बेचा, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट है हमारे पास इम्पोर्ट। क्या होते हैं इम्पोर्ट? होता है बच्चे जब कोई और देश, ठीक है, जब मान लो सामान हमारे देश ने, हमारे देश में बना हुआ सामान हमारे देश से बाहर किसी और देश में गया, ठीक है, तो हमने क्या किया? एक्सपोर्ट किया। और जब किसी और देश का सामान बना हुआ आया हमारे देश में, ठीक है, तब क्या हुआ बच्चे? वो इम्पोर्ट, हमने इम्पोर्ट किया वो, ठीक है। इम एक्स, ठीक है बच्चे, ये दोनों याद रखना, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होते हैं, ठीक है। बता देता हूँ मैं आपको, सरप्लस आउटपुट कैसे निकाला जाता है बच्चे? वो निकाला जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन माइनस डोमेस्टिक कंजम्पशन, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं हमारे पास। वो पॉइंट कौन से हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लेन करेंगे। कहता है इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशंस। कहता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा ना बच्चे, वो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड या स्पेसिफिकेशन के आधार पर ही कहलाया जाता है। जब तक कोई देश हमसे डिमांड नहीं करेगा कि हमें ये सामान चाहिए, तब तक हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बेशक हमारे देश में उसकी कितनी भी ज़्यादा प्रोडक्शन होती हो। जब तक कोई हमसे डिमांड ही नहीं करेगा बच्चे, जब तक आप मार्केट में जाके कोई सामान नहीं लोगे, तो जो प्रोड्यूसर है वो सामान किसको बेचेगा? वो आपको सामान थोड़ी बेच सकता है ऐसे के ज़बरदस्ती लो सामान लो भाई, नहीं। वो स्पेसिफिकेशन के आधार पे, अ कंट्री स्पेशलाइजेशन इन सच गुड्स हुज कॉस्ट इज लोअर देन इन द अदर कंट्रीज, कहता है। और मेनली हम एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड तभी करते हैं बच्चे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट हम तब करेंगे जब उस वस्तु की सामान हमारे, उस वस्तु की कीमत हमारे देश में कम होगी और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में ज़्यादा होगी, तो दूसरी कंट्रीज क्या करेंगी? प्रेफर करेंगी कि यहाँ पे महंगा सामान खरीदने के बजाय, बनाने के बजाय हम किसी और देश से सस्ता सामान खरीद लेते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटीज टू सेल एट हायर प्राइस। अब जो डोमेस्टिक मार्केट होती है उसके कंपेयर में इंटरनेशनल मार्केट में वो सामान ज़्यादा दाम पे, महंगे दाम पर बेचा जाता है, ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ सच गुड्स हुज कॉस्ट इज लोअर देन इन द डोमेस्टिक मार्केट, इम्पोर्ट उन वस्तुओं का किया जाता है जो डोमेस्टिक मार्केट में क्या हो? कॉस्टलियर हो, और इंटरनेशनल मार्केट में वो चीपर हो, ठीक है बच्चे। और कहता है इंटरनेशनल ट्रेड आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू एनहेंस द ट्रेड,
कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बच्चे, किस चीज के लिए वो प्रोवाइड करता है कि हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकें, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में बात करता है वो, हायर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू दी हायर जीडीपी ग्रोथ, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ही ज्यादा हमारी ग्रोथ भी होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी बच्चे, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है जितना ज्यादा पैसा आएगा प्रोडक्शन पे लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगेगा, ठीक है, उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो आउटपुट इंक्रीज करेगा, आउटपुट इंक्रीज करेगा तो बच्चे वो क्या होगा, हमारे पास जीडीपी ग्रोथ होगी, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेजों से उस टाइम पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा था, ठीक है, हमारी क्या हालत थी, हम इंटरनेशनल लेवल पे कैसे स्टैंड करते थे, ठीक है बच्चे, मेनली हमें उन चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट में बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी वॉज सफर्ड फ्रॉम कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन, हम लोग एक कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन झेल रहे थे, किसका, ब्रिटिशर्स का, उन्होंने हमें कॉलोनी बना के रखा हुआ था, अपनी मर्जी की पॉलिसियां, ऐसी पॉलिसीज बनाते जिनसे उनका फायदा होता, ठीक है। हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आप सभी को मैं एक बार बता देता हूँ, हम बात करते हैं बच्चे 1860 के बाद की बात करते हैं, 1900 से पहले की, इंटरनेशनल जीडीपी में हमारे देश की इकोनॉमी का शेयर मोर देन 25% हुआ करता था, जो आज के टाइम पे 0.23% है, ठीक है, कितना ज्यादा डाउनफॉल आया है बच्चे, ये सब किसके कारण, एक्सप्लोटेशन के कारण, जो ब्रिटिशर आए हैं उन्होंने हमारा शोषण किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता है, द ब्रिटिशर्स यूज अवर नेचुरल रिसोर्सेज एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर डोमेस्टिक मार्केट, ब्रिटिशर क्या करते हैं बच्चे, अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते थे उनका इस्तेमाल करते थे एज अ रॉ मटेरियल, ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज इंडियन मार्केट टू सेल देयर चीप प्रोडक्ट्स फॉर देयर ओन ग्रोथ। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी वो क्या करती थी बच्चे, अपने सस्ते और घटिया सामान को हमारी मार्केट में बेचती थी, किसके लिए, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, जो काम आज चाइना कर रहा है, ठीक है बच्चे। आगे बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वॉज फेवरेबल, एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ करते थे एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट हमारे, ठीक है, मैं ये आजादी के टाइम की बातचीत कर रहा हूँ बच्चे। इन 1946-47 एक्सेस ऑफ ट्रेड एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट वर 31 करोड़, कहता है 1947-48 में बच्चे 47 में के जो हमारा एक्सपोर्ट था वो इंपोर्ट से 31 करोड़ ज्यादा था, और 47-48 में वो गिर के कहाँ आ गया हमारा 14 करोड़ तक का सिकुड़ गया बच्चे, वो 14 करोड़ तक, ठीक है, 31 करोड़ से 31 करोड़ ज्यादा हुआ करता था, वो कम होगी कहाँ आ गया 14 करोड़ पे आ गए। आगे बात करता है बच्चे, देखना वो, अब हमारे पास कुछ आगे और पॉइंट्स आएंगे, जैसे हमारे पास, अब देखो हमारे पास है बच्चे इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि आजादी के बाद हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा हो गया, ठीक है। हमारे पास एक देखो, हमारे पास एक पूरी टेबल है, स्टैट्स है कुछ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग 5 ईयर प्लान में हमारे पास इंपोर्ट कितने हुआ करते थे हमारे, ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट कितने हुआ करते थे, ठीक है, वो पूरा का पूरा डेटा है बच्चे। आप एक बार आप इंपोर्ट्स पे ध्यान देना, ठीक है, इंपोर्ट हमारे रेगुलर हर 5 ईयर प्लान में बच्चे देखो 3651 से इंक्रीज होते होते हर साल वो क्या करते जा रहे बच्चे, इंक्रीज करते जा रहे हैं। एक टाइम पीरियड आया है 1974 से 79 के बीच में जहां पर वो 20,882 हमारे इंपोर्ट हुआ करते थे, टोटल इंपोर्ट हुआ करते थे, वो गिर के कितने पे आए थे 17,134 पे, उसके बाद वो रेगुलर इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट कभी इंक्रीज हुए कभी डिक्रीज हुए, ठीक है, ऐसी चीजें हमारी रहती है, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी इंक्रीज करने लग गए, ठीक है। ये हमारा कुछ एक डेटा था हमारे पास किसका, आजादी के बाद हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा रहा है, ठीक है बच्चों। इस डेटा को आप पूरा एक बार नोट डाउन भी कर लेना और समझ लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है बच्चे कि हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किस अकॉर्डिंग काम किया उन्होंने, ठीक है, पूरी टेबल को आप ध्यान से रखना, ठीक है बच्चे। अगर अगले टॉपिक की बात की जाए बच्चों, फिर आता है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, के हमारे जो हमारा फॉरेन ट्रेड होता है, सॉरी हमारा क्या, जो फॉरेन ट्रेड होता है वो उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके कौन से कंपोनेंट्स अलग, ठीक है, पॉइंट्स की बात करता है बच्चे। वो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास डिक्लाइनिंग परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, कहता है जो इंडिया का एक्सपोर्ट हुआ करता था, फॉरेन ट्रेड हुआ करता था उस टाइम पे, आपको पता है बच्चे आजादी के बाद हमारा प्राइमरी सेक्टर जिसके अंदर डोमिनेंस किसकी है, एग्रीकल्चर सेक्टर की डोमिनेंस है, ठीक है, तो क्या हुआ बच्चे, एक टाइम पीरियड के बाद उसका शेयर हमारे देश का जो एक्सपोर्ट होता था उसके अंदर एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो लगातार गिरने लग गया,
ठीक है, कहता है इंडिया स्टार्टेड यूजिंग इट्स फार्म प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हमने क्या करने लगे बच्चे, अपने ही सामान को अपने रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करने लगे इंडियन मार्केट्स में। पहले जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बाहर लेके जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है वो, द राइज इन इंडियाज पॉपुलेशन हैज रेज द डोमेस्टिक कंजम्पशन। अब जो लगातार हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज करती जा रही है, उसके कारण क्या हुआ, हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन भी इंक्रीज कर गई। सेकंड पॉइंट में बात करता है वो, डिक्लाइनिंग परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। अब जितने भी पारंपरिक संसाधन थे हमारे पास आइटम्स थे, उनमें डिक्लाइनिंग हो, उनका परसेंटेज कम होने लग गया। वो साधन कौन से बच्चे, वो कहता है कन्वेंशनल आइटम्स लाइक जूट, टी, फूड ग्रेन्स वर एक्सपोर्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कहता है ये जूट, टी, फूड ग्रेन्स, ये आज़ादी के टाइम पे एक्सपोर्ट की जाती थी, ठीक है, लेकिन इनके परसेंटेज आगे कम होने लग गए। और इसके पीछे मेन रीज़न क्या बच्चे, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ हुई तो हमारे यहाँ पे कंजम्पशन इंक्रीज हुई, ठीक है। थर्ड पॉइंट में बात करता है वो, इंक्रीज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरर गुड्स। अब मैन्युफैक्चरर गुड्स क्या बच्चे, कहता है जितना हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरर गुड्स का मैन्युफैक्चरर करते थे, उसकी जो परसेंटेज थी वो इंक्रीज कर गई। कैसे, कहता है मैन्युफैक्चरर गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट्स हैज राइज। अब जितना हमारा एक्सपोर्ट होता था उसमें मैन्युफैक्चरर गुड्स, बनी हुई गुड्स एक्सपोर्ट, उनका परसेंटेज राइज करने लग गया। और नेक्स्ट पॉइंट में बात करता है, एट प्रेजेंट जेम्स एंड ज्वेलरीज इज हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग कैटेगरीज। कहते हैं आज के टाइम पे जो हीरे जवाहरात है ना हमारे देश के, वो एक्सपोर्टिंग में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे हैं बच्चे, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरीज की बात कर रहा हूँ मैं, हीरे जवाहरात जितने भी हमारे पास ये आइटम्स होते हैं ऐसे, वो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं हम लोग उसके, वो बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही बच्चे, आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक आज का क्लियर हुआ होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, जिससे आपको करंट नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे, ठीक है, और आप हर वीडियो से अपडेट रहें। थैंक्स फॉर द लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।